शाहजहांपुर कलान से करीब 12 किलोमीटर दूर पटना देवकली गांव है। यहां बने प्राचीन मंदिर से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। बताया जाता है कि दत्त गुरु शुक्राचार्य ने यहां तप किया था। कभी आतंक का पर्याय रहे छविराम बड़े लल्ला रानी ठाकुर कल्लू भी यह जल अभिषेक कर घंटा चढ़ाने आते थे। हर वर्ष सावन में यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं, मन्नत पूरी होने पर घंटे बांधते हैं, हैंडपंप लगवाते हैं। ऊंचे टीले पर बने मंदिर के गर्भगृह में 8 शिवलिंग है, जिसमें से एक पंचमुखी शिवलिंग स्वयंभू बताया जाता है, जिस पर शिव प्रकार परिवार की आकृति है। महंत अखिलेश गिरी बताते हैं कि शुक्राचार्य ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसे प्रसन्न होकर उन्होंने दर्शन दिए थे। 7 अन्य शिवलिंग शुक्राचार्य ने स्थापित किए थे। दरअसल मंदिर के पास बड़ी सी झील सूख गई है, जिसे शुक्र झील कहा जाता है। महंत बताते हैं कि शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अपभ्रंश होकर देवकली हो गया था। इसका जिक्र शिव पुराण में ही भी है और बारिश के समय भी कई बार पुरानी मूर्ति और वस्तुएं निकलती हैं। 80 के दशक में पुरातत्व विभाग की टीम ने सर्वे कर इस स्थान को पौराणिक माना था। गिरी बताते हैं कि झील के दूसरी ओर बंदायू के उसावा के गांव शकरपुर में देवयानी कुआ था। वृष परवा की पुत्री शर्मिष्ठा ने अपनी सखी देवयानी से नाराज होकर इसमें धकेल दिया था, जिन्हें बाद में ययाति ने निकाला और देवयानी से उनका विवाह हुआ। मंदिर से 10 किलोमीटर दूर उसावा में देवयानी का निवास था, जो खेड़े के रूप में है। शकरपुर में कुआं समाप्त होने पर वहां के प्रधान ने उसके ऊपर देवयानी का मंदिर बनवा दिया। प्रतिवर्ष चैत्र में वहां भंडारा होता है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव ने दर्शन दिए थे और वह स्वयंभू शिवलिंग के रूप में यहां विराजमान है। हमारे परिवार की 33वीं पीढ़ी मंदिर की सेवा कर रही है। इस बार पहला मौका होगा जब सावन में यहाँ कांवड़ नहीं चढ़ाई जाएगी। पटना देवकली से मंदिर के प्रति क्या आस्था, क्या मत लेते हैं? भगवान शिव का मंदिर ये बना हुआ प्राचीन मंदिर है और यहाँ सभी श्रद्धालु लोगों की आस्था विशेष है और सावन में भगवान शिव की यहाँ विशेष पूजा होती है, इसके लिए सभी लोग आते हैं। भीड़ भाड़ बहुत अधिक होती है और इस साल तो कम है, अब तो निकला लॉकडाउन की वजह से। स्वामी शुक्राचार्य जो सतयुग के चौथे चरण में हुए हैं उन्हीं की तपस्वी है। बीच वाली जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है पंचमुखी। स्वामी शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर व समस्या की, मतलब सौ वर्ष समस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर मृत नहीं किया सिखाई। स्वामी शुक्राचार्य 7 शिवलिंगों की स्थापना और की है। भगवान शिव के 8 अंश हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जैसे प्राणों में आया है सर्ववस्त्रारुद्रो उग्र भीमा पाशुपति ईसा नक्षा महादेव मूर्ति 8 ऋषिता, उन 8 शिवलिंगों की स्थापना किया हुआ है। स्वामी शुक्राचार्य लड़की थी देवजानी, देवयानी का अभ्रंश करके पटना देवकली नाम कर दिया गया। बरेली में आज कोरोना से एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई, तो वहीं कोरोना संक्रमित पूर्व वित्त मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कोषाध्यक्ष और कैंट से विधायक राजेश अग्रवाल के हालत बिगड़ने पर उन्हें कोविड हॉस्पिटल SRMS मेडिकल कॉलेज के से दिल्ली हायर सेंटर रेफर किया गया है। इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री के परिवार के 5 अन्य लोगों को SRMS मेडिकल कॉलेज में COVID-19 पॉजिटिव आने के बाद भर्ती किया गया है। पूर्व वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल बरेली के कालीबाड़ी इलाके में रहते हैं। 4 दिन पहले उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इसके साथ ही उनकी पत्नी, पुत्र, वधू, पोता, PRO और ड्राइवर की रिपोर्ट भी COVID-19 पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए SRMS मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि विधायक राजेश अग्रवाल की किडनी में अधिक समस्या होने की वजह से दिल्ली रेफर किया गया है। डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि राजेश अग्रवाल जी के परिवार के बाकी सदस्यों की हालत ठीक है। विधायक राजेश अग्रवाल की हालत बिगड़ने के साथ ही जिले में आज कोरोना से 2 लोगों की और मौत हो गई है। बरेली में 3 दिन में 8 लोगों की मौत के बाद अब तक कोरोना से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला सर्विलांस अधिकारी SCMO डॉक्टर अशोक कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। आज सुबह SRMS मेडिकल कॉलेज में शहर की प्रतिष्ठित व्यापारी गुरुजी मार्बल के घर की 59 साल की महिला नीतू अग्रवाल की कोरोना से मौत हो गई है। इसके अलावा बहेड़ी के मल्लपुर निवासी 25 साल के सुरेश नाम के युवक की देर रात SRMS मेडिकल कॉलेज में कोरोना से मौत हो गई है। मौतों का आंकड़ा बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अब स्वास्थ्य विभाग की सभी मौतों को ऑडिट कराने की बात कह रहा है। जिला सर्विलांस अधिकारी का कहना है कि जिले में कम्युनिटी स्प्रेड फैलने की वजह से हालत बिगड़ते जा रहे हैं। दरअसल पिछले 3 दिनों में कोरोना की से IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सोंधी, नगर निगम के कर्मचारी संजय कश्यप की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। फिलहाल हालत भयावह होते जा रहे हैं, ऐसे में जरूरत है लोगों को सरकार द्वारा बताए जा रहे निर्देशों का पालन करने की। सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को बार बार साफ करें। सर, पूर्व वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल जी हैं, उनकी हालत कैसी है, कहाँ शिफ्ट किया गया?
उनकी हालत वैसे तो स्टेशनरी है, लेकिन किडनी की कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनको जो हेल्थ सेंटर दिल्ली रेफर किया गया है। कब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और कितने लोग परिवार में उनके पहुँचे? उनके परिवार में उनके अभी 2-3 की रिपोर्ट पेंडिंग है, बाकी 5 लोगों की इनकी रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव आई थी। बाकी जो अन्य लोग हैं वो उनके अभी एडमिट नहीं है, अभी इनकी रिपोर्ट आने वाली है। जो अन्य लोगों की वाइफ है वो ऐसा रहे मैसेज ऐसा रहे मैसेज। जानना चाहेंगे आज कितने लोगों की डेथ हुई है कोरोना से, क्या पूरा मामला? आज ऐसा रहा है, इसमें 2 मरीज थे जो कोरोना से पीड़ित थे, 2 की डेथ हुई है। एक सुबह 9 बजे नीतू अग्रवाल हैं, ये जो गुरु मार्वल जी के यहाँ से है, 59 साल की एज है। 1 तारीख को ये एडमिट हुई थी और 19 तारीख को इनकी सुबह आज जो है डेथ हुई है। एक सुरेश कुमार है, ये मल्लपुर बहेड़ी के हैं, इनकी जो है 9 तारीख को एडमिट हुए थे और आज ये 32 साल के थे, इनकी कल रात में डेथ हो गई 9 बजे। 3 दिन में ये लगातार डेथ हो रही है, 3 दिन में कितनी? अभी तक हमारे पास में 30 डेथ हो गई है, जो भी है 3 दिन में जो है 2, 4, 8 डेथ हो चुकी है। वो बढ़ गया है, इसमें देख ही जाएंगे कि इसमें क्या कारण है। एक ये जांच का विषय है और इसमें एक कमेटी बनाई जा रही है जिसमें कि CMO साहब के द्वारा और हमारे प्रशासन की तरफ से भी ये हो रहा है कि इनका एक अलग मॉनिटरिंग की जाएगी, इसके क्या कारण है, क्या कहीं अस्पताल की कमी की वजह से तो नहीं है, तो इसकी एक जाँच कराई जाएगी। क्या नहीं देखिए, कम्युनिटी का तो हो ही गया है नहीं? और जैसे पहले लोग बाग हैं जहाँ भी देखो भीड़ वगैरह लगी रहती है, इससे बचाव जब तक नहीं करेंगे तो तब तक ये स्थिति और भयंकर होने की संभावना है। तो इसलिए सभी मास्क लगाएं, बार बार साबुन से या जो भी सैनिटाइज से हाथ धोते रहें और जो फिजिकल डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखें। दूसरा सर, जो पूर्व वित्त मंत्री हैं अपने, उनकी हालत कैसी है, उनको कहाँ शिफ्ट किया गया, पूरी बात उसके अभी कैसा है? उनका स्वास्थ्य सही है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल एकदम। परिवार में उनके पोते की, उनके लड़के की बहू की और उनके ड्राइवर और उनके एक रिश्तेदार हैं या उनके उसमें जो ऑफिस में काम करते हैं राकेश अग्रवाल जी, उनकी पॉजिटिव। ये आई थी परसों कहाँ एडमिट कराए गए उनको? ऐसा रहे मैं ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। अब वो 10 दिन के बाद में कराते हैं जांच वैसे नॉर्मली। अभी तक नहीं उनको और कोई दिक्कत नहीं, बाकी ठीक है। रामपुर जिला अस्पताल में तैनात 35 संविदा कर्मियों को 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिसको लेकर आज सभी संविदा कर्मी इकट्ठे होकर CMS और CMO से मिले। उन्होंने कहा कि हमें 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है और हम लगातार जिला अस्पताल में मरीजों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना महामारी में भी हमारा महत्वपूर्ण सहयोग रहा है, फिलहाल संविदा कर्मी कई बार शासन को पत्र भेज चुके हैं, रामपुर जिलाधिकारी से भी मिल चुके हैं, इसके बावजूद भी शासन से सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। संविदा कर्मी मुकेश ने बताया कि हम कई सालों से जिला अस्पताल में संविदा कर्मी के पद पर कार्यरत हैं, इस समय कोरोना महामारी में हमारी ड्यूटी चल रही है, 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, SCMS और CMO साहब से मिल चुके हैं लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, जब हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो हम अपनी सेवाएं जिला अस्पताल को कैसे देंगे? 27 तारीख तक अगर हमें सैलरी नहीं मिलती है तो हम अपनी सेवाएं जिला अस्पताल से समाप्त कर लेंगे। मैम आपका अशरफ, क्या है पूरा मामला वो बताएं। मामला यही है, 5-6 ये पहले तारीख से 6 महीने हो जाएंगे, 6 महीने में कोई भी हमें सैलरी दी नहीं जा रही है। हम लोग CMS से कह रहे हैं बार बार, कितनी बार आ गए तो वो बोलते हैं, बोले भाई जब तक ग्रेजुएशन वाला नहीं आएगा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इस तरह से टाल देते हैं।
CMS को लिख के दिया कुछ लिखत में? लिखत में तो अभी अभी दिया है। अभी किस किस को दिया आपने? पहले भी लिखित दिया है। किस किस को दिया आपने? लिखित में हमने अभी CMS को दिया है और अब CMO के पास जा रहे हैं। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? CMS सर ने बोला वही कि अभी तो 15 दिन लगेंगे, इंटीग्रेशन वाला आएगा तब उनको चाहिए, उनको तो यही है। तो अगर आपको सैलरी नहीं मिलती तो क्या करेंगे आगे? आगे का अभी तो ड्यूटी कर ही रहे हैं, उसके बाद अगर देखते हैं 27 तक नहीं मिलेगी तो जो सब लोगों का हमारे टीम यूनियन है जैसे ही बोलेंगे वैसा करेंगे। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितीश कुमार है। क्या है पूरी बात बताएं, सैलरी कब से नहीं मिली? पूरी बात ये है कि सर हम लोग जिला चिकित्सालय में पैरामेडिकल स्टाफ नर्स की पोस्ट पर हम कार्यरत हैं और हम जबर कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे हैं। सभी पैरामेडिकल स्टाफ नर्सेस सभी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, समय से ड्यूटी आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अभी तक 5 महीने से कोई सैलरी नहीं दी गई है। कितने लोग हैं ये? हम लोग 35 से 40 लोग हैं, जो सभी कर्मचारी हैं जो इस समय कोरोना महामारी में सभी लोग ड्यूटी कर रहे हैं। अपनी ईमानदारी से सब पॉजिटिव निकल रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग इमरजेंसी में और सभी वार्डों में ड्यूटी कोरोना को लेकर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी प्रशासन न शासन न CMS न CMO कोई भी हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। CMO से शिकायत करी आपने? शिकायत के हम लोगों ने बताया है, CMS सर को भी बताया है, CMO सर को भी बताया है, लेकिन कोई भी रिस्पांस हम लोगों को नहीं दिया जाता है। बीते 5 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिली। अब क्या आगे क्या करेंगे आपने? आगे हम लोग क्या करेंगे, अभी तो फिलहाल ड्यूटी कर ही रहे हैं, बाकी अगर 27 तारीख तक लगभग अगर हम लोगों को सैलरी नहीं मिल पाती है तो हम लोग जो है ड्यूटी करने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास ड्यूटी आने के लिए पैसे ही नहीं है। सब लोगों के पास ड्यूटी भी नहीं आएंगे, ड्यूटी हम लोग 27 तारीख से आने के लिए सभी बात दे रहे हैं। दोई जनपद में इन दिनों मकान पर जबरदस्ती कब्जा करने का सिलसिला जारी है। ऐसा एक मामला शहर कोतवाली की गांव सभा गुरु भुजा का है, जहां पर नाबालिग बच्चों की जमीन को भी दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, नाबालिग बच्चे के साथ साथ पीड़ित बच्चे की मां को भी लोगों ने मारा पीटा। पीड़ित ने बताया कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है, मैं और मेरी माताजी दिल्ली में अपनी बहन के पास रहते थे। लॉकडाउन कोरोना वायरस के चलते दिल्ली में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते हम लोग घर आए हुए थे। बाबा जी के गुजर जाने के बाद लोगों ने हमारे ही हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया, मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। फिलहाल पीड़ित ने पूरे प्रकरण पर अपनी माता जी की तरफ से शहर कोतवाली में तहरीर दी है। अब देखना ही होगा कि हरदोई शहर कोतवाली पुलिस कितने दिनों में पीड़ित को न्याय दिलाएगी। हमारा नाम सुंदर मिश्रा है और हमारे रहने को मकान नहीं मिला, हमारी ताई बुद्धि ने कब्जा किया और हमने एप्लीकेशन दिया कि अरे DM को दिया और SP को दिया और हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, हम इधर उधर भटक रहे, हमें रहने को नहीं मिल रहा। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे मर चुके हैं और ख़त्म हो चुके हैं, वो पहले ख़त्म हो चुके हैं, वो कम से कम 2 साल से कब्जा कर रखे हैं। दिया था आपको? हमारे बाबा ने दिया था रामताल मिश्रा ने। धार्तनगर जिले से उसका बाजार क्षेत्र में बहने वाली कूड़ा नदी में आज दोपहर अचानक एक मगरमच्छ तैरता दिखने से हड़कंप मच गया। गोरखपुर जाने वाले मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए अंग्रेजों के जमाने का निर्मित पुल इस नदी में बना है, जिससे लोगों का इस नदी के ऊपर बने पुल पर आवागमन लगातार बना रहता है। आज दोपहर इस पुल से गुजरते हुए अचानक एक मगरमच्छ को नदी में तैरते हुए लोगों ने देखा, देखते ही देखते काफी लोग जुट गए। कस्बे के किनारे नदी होने से काफी लोग नहाने के लिए इस नदी में जाते हैं, जिनमें भय का माहौल व्याप्त हो गया। माना जा रहा है कि जिले में बहने वाली बड़ी नदी राप्ती से मगरमच्छ इस नदी में आया होगा। फिलहाल लोगों में इस मगरमच्छ को देखने के लिए कौतूहल बना हुआ है, लेकिन कुछ ही मिनट देखने के बाद वो गायब हो गया। सिद्धार्थनगर से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।